गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम देखते हैं कि कॉल इन एडवांस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। ऑन 1st जनवरी 2005 एक्स लिमिटेड रिसीव इन एडवांस फॉर द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यू ऑन 15th February 2005। जर्नलाइज द एवर ट्रांजेक्शन इन द ट्रांसफर ऑफ द एडवांस टू फर्स्ट कॉल बाई ओपनिंग द कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए, इसमें कंपनी को रिसीव हो रही है कब? 1st जनवरी 2005 को कंपनी ने रिसीव किया है। कितना फर्स्ट कॉल के अमाउंट कितने रुपीज से है? 2 रुपए से है। और कितने नंबर ऑफ शेयर पे है? 10,000 शेयर पे है, ठीक है। और किसका अमाउंट था ये? फर्स्ट कॉल का। तो जिस समय कंपनी रिसीव कर रही, तो कंपनी के यहाँ पे जब भी कोई जनरेटी होगी, ठीक है, तो उसके यहाँ पे पहली जनरेटी किया जाएगी। जब एडवांस में रिसीव किया तो फर्स्ट जनरेटी किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। यानी फर्स्ट इंट्री जो यहाँ पे आएगी कंपनी के यहाँ पे, वो क्या जाएगी? यानी एडवांस रिसीव किया, किसका एडवांस रिसीव किया? फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट इंट्री आ जाएगी कंपनी के यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल इन एडवांस कितने से कॉल इन एडवांस आ रही है? कितने शेयर पे आ रही है? 10,000 शेयर पे। कितने रुपीज से आ रही है? 2 रुपीज से। तो 10,000 × 2 कितना हो गया कंपनी के यहाँ पे? 20,000 से 20,000 रुपीज आई, ठीक है। और ये डेट क्या है? January 1, 2005। ईयर क्या है? 2005। कंपनी को रिसीव हुआ तो नेशन क्या बींग द फर्स्ट कॉल बींग The फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे? ऑन 10,000 शेयर, ऑन 10,000 शेयर। ये 10,000 शेयर का फर्स्ट कॉल के अमाउंट मिले कितने रुपए से? एट द रेट ऑफ रुपीज 2। कितने रुपीज का मिला ये? 2 रुपीज का है ईच रिसीव इन एडवांस। ईच received in advance, यानी कंपनी को जब रिसीव हुआ तो कंपनी ने ये एंट्री की। अब कंपनी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में जब ड्यू करेगी, तो यानी ड्यू का डेट क्या था? फरवरी का था। कब? 15 फरवरी। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? 15 फरवरी 2005, ठीक है। और किसके होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से ड्यू करना होगा? सेम 20,000। बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग द फर्स्ट कॉल ड्यू। अब तो कंपनी ड्यू कर रही है तो रिसीव भी कर रही है सेम डेट को, तो कंपनी के यहाँ पे क्या जनरेटी हो जाएगी कि जब रिसीव किया हुआ था, क्योंकि कॉल इन एडवांस ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, तो अब इसको एडजस्ट करेगी। जब एडजस्ट करेगी तब ये जो कॉल इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट हुआ था वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट डेट पे सेम डेट को, वो क्या हो जाएगा? वो डेबिट, यानी जनरेटी क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू किसका मिला था? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का था। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से? सेम 20,000। ओके, अब यहां पे देखते हैं जो फर्स्ट कॉल था बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल अकाउंट being the amount of किसका? कॉल इन एडवांस ऑफ कॉल्स इन एडवांस एडवांस ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, फर्स्ट कॉल
फर्स्ट कॉल अकाउंट. ओके, इस टाइप से तो ये हुआ कि कंपनी को जब फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव हुई थी तो फर्स्ट क्या की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस. ठीक है, जब उस कंपनी को ड्यू करना था उस पर्टिकुलर शेयर पे तो उसने ड्यू किया फर्स्ट कॉल में, और जब ऑलरेडी जब रिसीव हो चुका है तो उसी को यहाँ पे कंपनी ने क्या किया उसे एडजस्ट कर दिया. ठीक है, इस टाइप से कॉल इन एडवांस का एडजस्टमेंट हुआ. अब इसके बाद भी एक और एक एग्जाम्पल लेकर हम देखेंगे कि कैसे कॉल इन एडवांस का और एडजस्टमेंट किया जा सकता है. ये तो केवल कॉल इन एडवांस था, और इसके बाद जो आएगा उसमें देखा जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम में कि कैसे कंपनी टोटल पूरे शेयर पे कॉल करती है उसमें कॉल इन एडवांस का कैसे एडजस्टमेंट होता है. ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पर सेंड कीजिए. ओके, थैंक यू.